हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस्पाइंस में। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा मिनी क्रैश कोर्स, जिसमें 5 लेसन ला रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है पिन के बारे में है, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव पिन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम आज। और ऑफकोर्स ये लेसन मैंने जैसे बताया कि 1000 से 12 रेटेड प्लेयर्स के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कुछ केसेस जिसमें पिन को हम कैसे पहचाने कि ये पिन डेंजरस है कि नहीं है। तो E4, E5, NF3, D6 और यहाँ पे व्हाइट यूजुअली करता है D4, जो कि यहाँ पे बेस्ट मूव है। यहाँ पे ब्लैक ने E takes D4 करना चाहिए। यहाँ पे अगर ब्लैक BG4 करे तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टास्क ये सारे लेसन में टास्क ये रहेगा कि हम मूव फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पिन डेंजरस है कि नहीं हमें ये पहचानना है। तो आप देख सकते हो कि ये पिन दिखने में बस डेंजरस है, कुछ हो नहीं रहा है। D takes C5 हुआ गेम में। अब आप देखोगे अगर D takes C5 किया तो Qd8 के D8 E5 पॉन चला जाएगा, तो ब्लैक को Bishop takes F3 लेना ही पड़ा। यानी कि इस पिन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बहुत जल्दी पिन करने से जो होता है फायदा नहीं होता है, इसी का ये थोड़ा सा डिस्कशन है। Qd takes F3, Bd takes C5 और अब व्हाइट ने खेला Bishop C4। अब हुआ ये कि व्हाइट का डेवलपमेंट ज्यादा है, पिंड पीस फिर से इनके मूव भी वेस्ट हो गया ब्लैक का। और अब NF6 के बाद व्हाइट ने स्ट्रॉन्ग मूव किया Qb3 और आगे चल के गेम जीत गया। तो हमने देखा कि किस तरह से Bg4 का पिन जो है हर बार इफेक्टिव नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है NC6 का, नॉर्मल खेला ब्लैक ने Bishop C4। अब यहां पे किया D6, ये भी मूव थोड़ा सा खराब है, Bishop F8 का अटक जाता है। Knight C3 और यहां पे ब्लैक ने फिर से करना चाहा Bishop G4। इस लेसन के पीछे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अलग अलग केसेस को समझे कि इस Bishop G4 को कब हमें डेंजरस मानना चाहिए और किन तरह से हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें टेक्निक टोटली अलग है। पिछले वाले में हमने देखा, हमने ओपोनेंट को Bf3 करने पे फोर्स किया था। तीन टाइप्स होते हैं, एक तो Bf7 चेक करके नाइट मिलता है और Qd takes G4 हो जाता है। कुछ केसेस में नाइट सीधा E5 पे आ जाता है, क्वीन का ये बिशप पे इनडायरेक्ट अटैक आ जाता है। और तीसरा होता है कि मूव H3 का यूज करते हैं ताकि Bishop into F3 लेना पड़े। तो ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। यहाँ पे वाइट करता है H3, अभी Bishop F3 लेना पड़ा तो Qf3 के बाद आप देख सकते हो ब्लैक का मूव भी वेस्ट हो गया और पिन रहा भी नहीं। तो ब्लैक ने खेला Bh5 और यहाँ पे जैसे आपको मैंने तीन चीज में से बताया, एक चीज देखिए हो जाएगा Knight takes E5। दिखने में लगता है कि Knight E5 नहीं हो सकता, लेकिन व्हाइट ने आगे देख लिया, अगर Bishop takes D1 किया तो Bf7 चेक, Ke7, उसको Knight D5 चेकमेट। यहाँ पे अगर Knight takes E5 किया तो ऐसा लगता है C4 का पीस जा रहा है। तो Qd takes H5, Knight takes C4 और अब आएगा Qb5 चेक, Qd7, Qd takes C4। व्हाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर हो जाएगा। तो हमने फिर से देखा कि Bishop G4 बहुत ज्यादा जल्दी करने से कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ब्लैक ने खेला C5, C3, व्हाइट का आइडिया है D4 करना, ब्लैक ने D6 खेला, यहाँ पे D5 और NF6 ये मेन लाइन्स है, व्हाइट ने खेला D4, सिंपल आइडिया, सेंटर पे कंट्रोल लिया, C takes D4, C takes D4, Knight C6, Knight F3, ऐसा लग रहा है नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है, व्हाइट का सेंटर ऑलरेडी बहुत बेटर है, ब्लैक ने खेला Bishop G4, फिर से क्या किया, नाइट को पिन करने का कोशिश किया और इस बार थ्रेट भी है, Bishop takes F3, Qd takes F3, Knight D4, तो पॉन चला जाएगा उसमें। तो व्हाइट ने क्या इसमें इस पोजीशन को डिफेंड करना चाहिए या टैक्टिक्स के लिए ट्राई करना चाहिए? तो व्हाइट ने यहाँ पे देखा कि फिर से अर्ली पिन का एग्जांपल है, केस है, अर्ली पिन किया है, बिशप अनसपोर्टेड है। तो इसमें देखिए कैसे सेम जो कंसेप्ट है उसको स्लाइटली अलग तरह से एक्सप्लेन किया, D5 खेला व्हाइट ने। अब आप देख सकते हो इस नाइट को ब्लैक ने इधर ब्लंडर किया, Knight E5,
यही उसका आइडिया था। दिखने में लग रहा है कि अब F3 पे सीरियस प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कई बार नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स D1 पोस्ट, DE को क्वीन G4 विनिंग था, और अब दूसरा डायगोनल वीक हुआ है तो BB5 चेक के बाद पोजीशन लूजिंग हो गया। QD7 करना पड़ा, बिशप टेक्स D7, किंग D8, नाइट F7, किंग टेक्स D7 और अब KD1, और तो भाग नहीं रहा है, नेक्स्ट मूव चला जाएगा और वही विनिंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें डायरेक्टली हमने पोजीशन लिया है, ये पोजीशन था जिसमें ब्लैक ने फिर से देखिए बिशप G4 से पिन किया है, और इस बार F6 नाइट का G4 को सपोर्ट है, तो देखने में लगता है कि पिन को इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स इसमें H3 करके भी वाइट इस पिन को निकलवा सकता है, बिशप F3, क्वीन F3, Nc6, पर उसमें ब्लैक का इंस्टेंटली कोई डैमेज नहीं होगा, पर यहां पे भी व्हाइट ने विनिंग आइडिया ढूंढ लिया। तीन में से एक चीज चलता है जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो नाइट का मूवमेंट हो जाता है, या Bf7 चेक हो जाता है, या तो H3 हो जाता है, और ये तीन में से एक चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला जरूर मूव E5, देखिए कितना सिंपल डिकॉइंग टेक्निक है, E5 स्क्वायर को यूज करना चाहता है। अभी अगर बिशप इनटू F3 करें तो आप देख सकते हो क्वीन F3 के बाद क्या होगा, B7 हैंगिंग है, DE के बाद नाइट मूव करने से क्वीन टेक्स F7 पोजीशन टोटली लूजिंग हो जाएगा। तो ब्लैक ने किया D takes E5, और यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि नाइट E5 करना चाहिए, नाइट E5 भी अच्छा पोजीशन है, BD1 को BF7 मेट, पर BE6 में थोड़ा देर ब्लैक खुद को बचा सकता है, तो यहाँ पे बेस्ट मूव है, देखिए BF7 चेक, किंग टेक्स F7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, KD7 को भी सेम होता, नाइट E5 चेक, और अब किंग कहीं भी हिला है, E8 या G8, नाइट टेक्स G4, और आप देख सकते हो कि ना सिर्फ ब्लैक का पॉन चला गया पर कैसलिंग भी ब्रेक हो गया है, डेवलपमेंट में भी ब्लैक पीछे है, और फिर से देखिए बिशप G4 से कुछ फायदा नहीं हुआ ब्लैक को। तो इसी के साथ हमने जो मेन केसेस थे जिसमें BG4 पिन नहीं चलता है वो कवर कर लिए। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके पूरे सोल्यूशन तक हमें जाना नहीं है, मैंने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं क्या होता है। E4 D5, E takes D5, Queen D5, Knight C3, Black player Queen D8, White ने खेला D4, Black ने किया Nc6, White ने खेला Nf3, Bishop G4, फिर से यहां पे White player ने जो देख लिया कि Black ने अर्ली पिन का यूज किया, उसको यही पे डाउट हो गया कि शायद D5 को ब्लैक Ne5 करना चाहता है, क्योंकि गेम में व्हाइट ने किया भी D5, उसको नाइट E5। अब देखिए इस पोजीशन में देख के लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज एनी इनटू E5 तो चल नहीं रहा है, बिशप D1, क्योंकि काफी लोग यही पे छोड़ देते हैं, BB5 चेक को तो C6 आ जाएगा और क्वीन डाउन है हम लोग, राइट, और दूसरे कोई भी लाइन में BB5 चेक करके अभी कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं तो नाइट D7 तो हो ही रहा है। पर इस केस में भी आप देखो ये थोड़ा सा इसी थीम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, नाइट टेक्स E5 हो गया, फिर बिशप टेक्स D1 और आ गया BB5 चेक। अब यहां होता क्या है, C6 के बाद DC, और आप देख सकोगे कि सारे ही लाइंस में व्हाइट का जो पोजीशन विनिंग हो जाता है। यहां पे दो थ्रेट्स है, एक C7 जिसमें क्वीन जाएगी और किंग शायद मेट भी हो जाए कई लाइंस में, और क्वीन दूर हिलाने से CB7 जिसमें 8 का रुख हैंगिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लाइन बताता हूं, QC7 को CB चेक, KD8 को देखिए कैसे यूनिक सा मेट हो गया, नाइट F7 चेकमेट। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमें हेल्प करते हैं समझने में कि पिन कब इफेक्टिव है और कब नहीं। तो हमने सारे केसेस देखे जिसमें पिन जो था बहुत जल्दी होने की वजह से यूजफुल नहीं था, दो एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें पिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। तो अब हम लेते हैं थोड़ी देर पहले देखे हुए एग्जांपल में से ही आया हुआ पोजीशन, E4, E5, NF3, D6, D4, BG4, जो फर्स्ट केस हमने देखा था जहां पे अर्ली पिन किया था, उसी गेम में से आया हुआ ये पोजीशन है। व्हाइट का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो ब्लैक का किंग सेंटर में पकड़ा गया,
और दोनों ही डायगोनल्स पे व्हाइट ने पिन कर दिया है। देखिए बिशप से D7 का राइट पिंड है, यहाँ पे बिशप से F6 E7 D8 इस जगह पे पिंड है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट का जो सिचुएशन है बहुत ही बेटर है, पीस डाउन है लेकिन पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पिन का यूज कितना डेंजरस तरह से व्हाइट ने किया। D7 पे प्रेशर डाल रहा है तो पिन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, काफी लोग यहाँ पे मूव सजेस्ट करते हैं रूक D2। ओके, और रूक D2 को ब्लैक को क्वीन E6 करके इस क्वीन पे अटैक करने का चांस टाइम मिल जाएगा। हो सकता है B7 कैसल करके D7 का पीस रिटर्न कर दे। तो व्हाइट ने ब्लैक को ये सब चांस ही नहीं दिया। जब भी पिन रहता है तो रूक टेक्स D7, उस पिन को मेंटेन कराते हैं और वहां पे हम उसका सिचुएशन और खराब करते हैं। देखिए रूक टेक्स D7 फोर्स और अब खेला रूक D1। अब देखिए थ्रेट है BD7 चेक, नाइट से नहीं ले सकता, क्वीन जाएगा, क्वीन से लेने से डायरेक्टली क्वीन चली जाएगी। तो ब्लैक ने ट्राई किया क्वीन E6, पोजीशन टोटली लूजिंग है। यहाँ पे व्हाइट के पास काफी मूव्स है, काफी लोग BF6 सजेस्ट करते हैं। BF6 भी बहुत अच्छा है, QB3 को BD7 मेट और GF करने पर BD7 चेक में क्वीन चली जाएगी। तो बहुत ही फेमस गेम है। इसमें मॉर्फी ने खेला बिशप D7 चेक, नाइट टेक्स D7 लिया ब्लैक ने और अब ब्लैक किंग के पास कोई जगह नहीं है और आ गया QB8 चेक। जो हम टिपिकल टेक्निक्स देखते हैं, सैक्रिफाइस चेक हो गया जब किंग के पास कोई जगह नहीं है, जिसके बारे में मैंने काफी सारे लेसन्स में डिस्कस किया है। नाइट टेक्स B8 फोर्स्ड और रूक D8 चेकमेट हो गए। तो हमने देखा कि दो डायगोनल्स पे कितना डेंजरस तरह से व्हाइट ने जो पिन को क्रिएट किया था उसको टैक्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं आज का लास्ट एग्जांपल पे इफेक्टिव पिन के बारे में। जो तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले, आप देख सकते हो व्हाइट के पीसेस काफी एक्टिव है और ऐसा लगता है कि किंग साइड पे ब्लैक के पास इनफ डिफेंडर्स है। जो मैं अपने नॉर्मली चैनल पे लेसन चल रहा हूँ उसमें मैं एक असॉल्ट रेशियो की बात करता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ अटैकर्स किंग के ऊपर कितने हैं और कितने डिफेंडर्स हैं वहां पे। अगर आप देखोगे तो अटैकर्स है बिशप नाइट रूक क्वीन और ये बिशप, पांच अटैकर्स है। क्वीन का H7 पर अटैक है, बिशप और नाइट ने F7 को प्रेशराइज किया है। पूरा गेम जो है व्हाइट इस B3 G8 डायगोनल के पिन के वजह से जीत जाता है और नाइट F6 का देखिए एकमात्र डिफेंडर है जो H7 के लिए अगर हम पकड़े तो, और F7 के लिए रूक को हम डिफेंडर समझ सकते हैं। इस पोजीशन में व्हाइट ने बहुत ही सिंपल और छोटा कॉम्बिनेशन किया और फोर्स्ड मेट हो गया। देखिए बिशप टेक्स F6, यहाँ पे कैंडिडेट मूव्स अगर हम देखें तो BF7, NF7, BF6 और रूक F6, चार कैंडिडेट मूव्स होने चाहिए। व्हाइट ने कैलकुलेट किया बीटेक्स F6, दिखने में लगता है कि बीटेक्स F6 के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन F6 का मेट जो H7 का डिफेंडर था वो चला गया। काफी लोगों को लगता है यहाँ पे रूक H5 भी नहीं है, पर H6 के बाद रूक H6, GH, क्वीन H6 पर शायद बिशप टेक्स E5 हो जाएगा, तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे व्हाइट ने सोच रखा था मूव क्वीन टेक्स H7। देखिए कितना सरप्राइजिंग मूव था। मूव फाइंडिंग का भी ये टेक्निक है, हम हमेशा चेक कैप्चर और अटैक में सोचते हैं। आगे के अगले जो चार लेसन होंगे उसमें भी मैं डिटेल में मूव फाइंडिंग के टेक्निक के बारे में डिस्कस करूंगा। किंग टेक्स H7 फोर्स्ड, रूक H5 चेक, किंग G8 फोर्स्ड और यहां पे देखिए आ गया नाइट G6। ये था अनएक्सपेक्टेड फाइनल मूव। इसके बाद आप देख सकते हो कुछ भी करे ब्लैक रूक के चेक मेट होने ही वाला है। अगर बिशप D4 चेक दिया सिंपल किंग H1 के बाद नो चेक पोजीशन बन जाएगा, और अगर क्वीन टेक्स D4 चेक तो क्वीन टेक्स D4 बिशप D4 चेक, फिर से किंग F1 या H1 नो चेक पोजीशन है, रूक चेट मेट जो है बच ही नहीं रहा है। तो नाइट A5 करेगा तो नाइट E7 भी मेट है और रूक चेट भी मेट है, रूक हिलाएगा तो रूक चेट चेकमेट, तो व्हाइट इसमें जीत गया। तो मेरे इस कोर्स का पर्पस एकदम सिंपल है, हम कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलेंगे, जैसे पिन फोर्क बैक रैंक, किंग साइड पे अटैक कैसे होता है, कैसल्ड किंग अनकैसल्ड किंग, ये पांच थीम्स को लेकर, और फोकस करेंगे मूव फाइंडिंग पे और सिमिलर टाइप के केसेस लाऊंगा जिससे हमारा एक पैटर्न रिकॉग्निशन भी डेवलप हो। आपको ये कोर्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।